चैनल तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का ट्रायंगल्स चैप्टर का क्वेश्चंस और थ्योरम्स एग्जांपल सारा कुछ। तो हम लोग 6.4 तक में जितना भी एग्जांपल क्वेश्चंस था और उससे पहले जितना भी थ्योरम वगैरह था, थ्योरम्स थ्योरम वगैरह सब हम लोग सारे वीडियोस हमारे अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं वहां जाके। तो और सारा वीडियोस तो इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं और सारा क्वेश्चंस। आज हम लोग देखेंगे पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम जो है ना, मतलब ट्रायंगल चैप्टर का इम्पोर्टेंट थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया, तो एक सजेशन देंगे हम कि आप पैथागोरस थ्योरम का, थेल्स थ्योरम का और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका कन्वर्स। तो ये सारा थ्योरम ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन, मतलब थ्योरम है। तो क्या बोल रहा है थ्योरम कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी को एक ट्रायंगल है और उसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हम लोग को प्रूफ करना है क्या कि ये जो हाइपोटेनस है एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, एबी के स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा ट्रायंगल के दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल, ट्रायंगल के दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल। ये हम लोग को प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग को जानते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, मैंने आपको बार बार बताया, चाहे वो थ्योरम हो, थ्योरम का स्टेटमेंट हो या फिर किसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो, उसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन, टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ करते हैं और लास्ट में हेंस प्रूफ लिखते हैं। तो आप लोग स्टेप वाइज जरूर बनाए क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्या, पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो गिवन, तो गिवन क्या है, क्या गिवन है, अ ट्रायंगल एबीसी, अ ट्रायंगल एबीसी इन विच हम लोग क्या किस एंगल को 90 डिग्री माने हैं, एंगल बी को 90 डिग्री माने हैं। तो लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोगों को प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, तो टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन देखिए, हम लोग को इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्यों, क्योंकि अब सिर्फ एक ट्रायंगल से तो हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए ना हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा क्या, तो बी से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी पे, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी पे, जिसका पॉइंट हम लोग मान लेते हैं डी, डी ठीक है। अब अगर हम लोग इस पूरे वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल एबीसी को अगर ट्रायंगल एबीडी से सिमिलर कर दे, तो हम लोग को साइड्स मिल जाएगा, फिर ट्रायंगल एबीसी को दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर करेंगे ना, तो हम लोग को स्क्वायर चाहिए, तो दो बार एसी हम लोग का आ जाएगा, तो इससे हम लोग का आराम से ही सिमिलर, मतलब ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। तो क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया क्या, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू एसी, आपको बी डी परपेंडिकुलर टू एसी, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें, तब हम आप लोग यहाँ पे यहाँ तक नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इस क्वेश्चन को समझने के द्वारा से वीडियो देखेंगे तो आप लोग को ये देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन और ये सब को इरेज करते हैं। हाँ दोस्तों,
जब तक हम क्वेश्चन को रेस कर रहे हैं तब तक, अगर आप लोग ना इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोग से, लाल बटन दबाना ना भूले, और वीडियो को पूरा एंड तक, क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोग का कंस्ट्रक्शन तक हम लोग का हो गया, तो इसको प्रूफ देखेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इसको? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को ट्रायंगल एबीडी के सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे उस ट्रायंगल को हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है। तो कैसे सिमिलर होगा? अगर हम लोग को दो एंगल भी मिल जाए ना, तो एंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा बाय ए क्राइटेरियन से। सिमिलरिटी का एक क्राइटेरियन होता है एंगल एंगल, जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा अगर हम लोग को दो एंगल भी मिल गया। तो देखिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल में एंगल ए बी सी इक्वल हो सकता है एंगल ए डी बी के। कैसे? बोथ क्या है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग एंगल भी 90 डिग्री बनाए थे, गिवन में देखिएगा आप लोग एंगल भी 90 डिग्री है। और फिर इस ट्रायंगल में भी तो दोनों साइड ही तो 90 डिग्री है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस ट्रायंगल में भी ये छोटा सा क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, और इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। क्यों दोनों एंगल इक्वल हुआ? तो रीजन देंगे इच क्या तो 90 डिग्री। ओके, अब दूसरा देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी ए सी और इस छोटे वाले ट्रायंगल में बी ए डी, एंगल ये क्या दोनों में कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, दोनों में एंगल ये क्या है, कॉमन है। रीजन क्या देंगे? तो कॉमन। अब देखिए, हम लोग को दो एंगल मिल गया तो ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, ट्रायंगल एबीडी से सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी है, मतलब ए तो हम लोग का पहले होगा ही, उसके बाद बी क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका हम लोग को डी लेना होगा, ए डी बी, ये होगा हम लोग का नेमिंग ए डी बी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, एक दूसरे के सिमिलर हो गया। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। कॉन्ग्रुएंसी में होता था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स था वो इक्वल होता था। सिमिलैरिटी में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है और इक्वल होता है। तो हम लोग को जिसका काम है ना, अगर वही 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 उसी उसी साइड्स को बस लेंगे। तो ए बी पहला दूसरा लेंगे, तो ए बी इसका भी पहला दूसरा, ए बी इज इक्वल टू इसका बी सी लेंगे तो इसका लास्ट वाला डी बी। डी बी का तो काम नहीं है, ए बी का काम है। तो लेंगे ए सी पहला और तीसरा, और इसका भी पहला और तीसरा, तो ए सी बाय ए बी। ये कैसे आया? तो सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद, अब वापस एक बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल से सिमिलर करेंगे। तो हम इसको रेस करते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, प्लेस तो करते हैं। तो अभी जो हम लोग पहले निकाले थे, क्या निकाले थे उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना था, आप लोग लिख लीजिएगा क्या निकाले थे। तो पहले देखिए, ट्रायंगल सिमिलर किए थे, ए बी सी को सिमिलर किए थे ट्रायंगल ए डी बी से,
तो हम लोग का आया था ए बी बाय हाँ ए बी इक्वल टू ए सी बाय ए बी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ये छूट गया, यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना था, इस जो हम इरेज कर दिए वही आप लोग इस देख लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा। ओके तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके। अब हम लोगों को कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी सी लिए हैं तो बी डी सी, बी डी सी। अब इसमें भी देखिए सेम इस क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। कैसे, तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल बी डी सी के। कैसे, तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री हम लोग जानते ही हैं, और फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों कैसे इक्वल हुआ, तो इच 90 डिग्री। और फिर देखिए इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में एंगल सी दोनों में कॉमन आएगा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग देखिए तो ये हुआ, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी देखिए तो एंगल सी आएगा, तो दोनों में क्या होगा एंगल सी आएगा, तो दोनों कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। कैसे इक्वल हुआ, तो रीजन देंगे कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए इसको नेमिंग करने में ध्यान दीजिएगा, वैसे बी डी सी ही होना चाहिए। हाँ तो बी डी सी ही होगा, बी है डी है 90 डिग्री, दो इसमें था डी 90, इसका भी 90। हाँ ठीक है, तो बी डी सी किस क्राइटेरियन से सिमिलर हुआ, तो बाय एस एस क्राइटेरियन सिमिलरिटी से सिमिलर हुआ। आप लोग दीजिएगा एस एस नहीं, सॉरी एस एस तो साइड है, साइड साइड हो गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, एक दूसरे के सिमिलर हो गया। अब जब ये एक दूसरे के सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू क्या, ए सी बाय बी सी, बी सी का काम है, हाँ काम है, तो ए सी बाय बी सी। कैसे आया, तो सी पी एस टी, सी पी एस टी। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे ना, मतलब दोनों इक्वेशन से निकालेंगे उसको ऐड करेंगे, तो हम लोग का ये जो हम लोग को प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या आता है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का क्या आया था, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी। अगर इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इसी को लिखना है, तो यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं बी सी बाय डी सी इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी, यही हम लोग का इक्वेशन नंबर टू है, तो नीचे इरेज कर देते हैं ताकि नीचे हम लोग का वो आ जाए। अब इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर टू से देखें, तो इन दोनों को इंटू करेंगे और इन दोनों को इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। हम इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को यहाँ साइड में लिख लेते हैं ताकि हम लोग जो आगे सॉल्व करें तो हम लोग को दिक्कत ना हो, तो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, तो लिख देते हैं पहले क्या है आया हम लोग का, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो हम इसको एरेज कर रहे हैं, आप लोग इतना सा खुद से भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अब
देखिए हम लोग का यहाँ पे ना आधा इक्वेशन तो सॉल्व हो ही गया। यहाँ पे हम लोग को देखिए जो हम लोग को प्रूफ करना है, जैसे हम लोग को प्रूफ करना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसमें देखिए हम लोग को दो चीज हम लोग को मिल चुका है, क्या क्या? तो ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर देखिए हम लोग को मिल चुका है, लेकिन हम लोग को इसका सम चाहिए। देखिए क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर चाहिए। अगर हम लोग इसको अगर इसी से हम लोग को एक आइडिया लगता है क्या कि अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को ऐड करेंगे, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है ए बी का स्क्वायर, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला को ऐड करेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड का ऐड करेंगे तो ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब देखिए इन दोनों में ए सी कॉमन है तो हम लोग ए सी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। अब ए डी प्लस डी सी को देखिए, ए डी प्लस डी सी ये AD और प्लस DC मिलके क्या बना रहा है AC बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं AC into AC। अब AC into AC क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर, therefore हम लोग को जो प्रूफ करना था वो देखिए तो आ रहा है क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। देखिए हम लोगों ने प्रूफ करा था AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वही आ गया था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो हम लोग को प्रूफ करना था वो आ गया, हेंस प्रूव। तो आई होप आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। आपने पूरा वीडियो देख लिया, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।